जय हिंद साथियों। साथियों हम लेकर हाजिर हैं आज बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। तो लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हम हाजिर हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है भूलना क्या है, व्हाट इज फॉरगेटिंग, और छात्र जो है कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसकी व्याख्या करना है। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर लिखा है भूलने का रोग को अल्जाइमर रोग कहते हैं, यानी कि जो भूलने वाली जो बीमारी है उसको हम लोग आम भाषा में या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अल्जाइमर रोग कहते हैं। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है अलोइस अल्जाइमर। तो इसके नाम पे अल्जाइमर रोग रखा गया है जिसको भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया। याद रखिएगा भूलने वाले के बारे में, भूलने के बारे में जो सबसे पहले विवरण दिया गया वो अलोइस अल्जाइमर के ने बताया। बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्या की गंभीर स्थिति शामिल है। यानी कि इसमें बताया गया है कि इस बीमारी के लक्षण, यानी कि जो भूलने वाला बीमारी है या अल्जाइमर रोग है, इसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, निर्णय नहीं ले पाता है व्यक्ति, बोलने में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्या को गंभीर स्थिति शामिल है। हमारे मस्तिष्क के सोचने और याद करने की क्षमता एक बच्चे के अंदर निश्चित उम्र तक वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र और उसके विकास की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है, तो उसके साथ साथ बच्चों के अंदर सोचने समझने की भी शक्ति की वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी सोचने और याद करने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है। बिल्कुल सही, जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, तो हम लोगों का क्या है सोचने समझने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे घट जाती है। लेकिन इसका गंभीर होना और हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता गंभीर बदलाव उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण नहीं है। मतलब क्या कि अगर ये गंभीर हो जाएगा या हमारे दिमाग के कम करने की क्षमता को गंभीर बदलाव उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण नहीं होता है। तो ये थे इसके भूलने के बारे में कि अल्जाइमर रोग को किसने बताया और इसके बारे में। चलिए उसके बाद हम लोग टॉपिक्स लिखे हुए हैं भूलने का क्या क्या लक्षण है। तो भूलने का कुछ लक्षण भी है जिसको हम लोग नीचे दिए जा रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि ये कोई भी चीज़ों को ये भूल सकते हैं। तो पहला जो है याददाश्त खो जाना, यानी कि याददाश्त खो जाएगा तो समझिए कि वो भूल सकता है। दूसरा सामान्य कामकाज करने में कठिनाई, यानी कि जो जनरल कामकाज है वो अगर अच्छा से वो नहीं कर पा रहा तो वो भूलने की बीमारी उसमें है। भाषा के साथ समस्या, अच्छा से वो बोल नहीं सकता है, अच्छा से वो भाषा को बोल सकते हैं व्युत्पत्त नहीं कर सकता। समय और स्थान में असमन्वय, यानी कि समय और स्थान को अच्छा से सामंजस्य से नहीं बैठा पाता है। फिर है निर्णय लेने में कठिनाई, यानी कि कोई भी चीज़ का अगर निर्णय लेना होगा कि हमको क्या करना है कैसे करना है तो ये नहीं कर पाएगा। चीज़ों को यत्र तत्र रखना, यत्र तत्र का मतलब होता है जहाँ तहाँ, कोई भी सामान है घर में का या आसपास का या उसके पास का ही, तो किसी भी चीज़ को कहीं भी रख देता है यत्र तत्र, उसको फिर पता नहीं चलता है। अगला है स्वभाव में बदलाव, उसके स्वभाव में भी चेंज आने लगती है, चेंज आती है। और लास्ट है प्रयास करने में अक्षमता, वो प्रयास ही नहीं कर पाता कोई भी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि जो आदमी प्रयास करता है उसी का तो संभावना रहता है सफल होने का। तो इस तरीके से प्रयास करने में अक्षमता होती है, मतलब उस प्रयास करने में सफल नहीं हो पाता है। फिर आगे है कि छात्रों में भूलने की प्रवृत्ति कैसे आती है। कोई भी छात्र है उसके अंदर एक भूलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक बोल सकते हैं मैंडेटरी है। कोई भी छात्र जो है, अगर छात्र न भूलें तो समझिए कि एक बोल सकते हैं कि कमियां रह जाती है। तो इस तरीके से एक प्रवृत्ति भी है कि अगर कोई छात्र है तो कभी ना कभी चीज़ों को भूल सकता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। रिसर्च से पता चला है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है,
जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमें लगता है कि कुछ घटनाएं अभी तो हुई है, यानी कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि ये घटना तो तुरंत बीती हुई है। वहीं कुछ घटनाएं ताज़ा होने के बाद भी, यानी कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत तरोताज़ा हैं, मतलब जल्दी की घटना है, परंतु ये बात तो कई अर्से गुजर गया, मतलब ये सोचते सोचते कि अभी ये तुरंत का घटना है ऐसे सोचते सोचते वर्षों गुजर जाते हैं। जैसे कि माइकल जैक्सन की मौत या फिर एंगेला माइकल का रिटायर होने का ऐलान। अगर आपसे कोई पूछते कि माइकल जैक्सन की मौत कब हुई थी माइकल जैक्सन की मौत या एंगेल मैकेल के रिटायर होने का जो ऐलान है, इसको हम लोग दिमाग पे जोर देने के बावजूद भी इसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसे मनोवैज्ञानिक टेलीस्कोपिंग कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढने में हमारा दिमाग जो है वो भ्रमण करने लगता है, और कुछ यहाँ से पता चलता है कि कुछ भूलने की भी हमारे अंदर बीमारी है, तो इसको हम लोग मनोवैज्ञानिक टेलीस्कोपिंग कहते हैं। असल में यादें तूड़ी मुड़ी होती हैं। तूड़ी मुड़ी का मतलब क्या होता है कि कुछ कन्फर्म है कुछ कन्फर्म नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो एकदम कन्फर्म है और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको तूड़ी मुड़ी लिखा है। इसी वजह से पुरानी घटनाओं को हम हालिया समझ लेते हैं। बहुत कभी कभी ये होता है कि बहुत घटना पहले घट चुका होता है, लेकिन गलती से हम उसको जल्दी का समझ बैठते हैं, जबकि हाल में हुई घटनाओं के बारे में ये सोचते हैं ये तो पुरानी बात है। यानी कि कभी कभी हम उल्टा भी समझ जाते हैं कि जो हाल फिलहाल की जो घटना है उसको हम लोग गलती से बहुत पहले की घटना को समझ लेते हैं, तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। बहुत से छात्र इस गुमान में रहते हैं कि उन्होंने पूरा सब कुछ याद कर लिया है, यानी बहुत सारे छात्र जो हैं वो इस गुमान में रहते हैं, बोल सकते हैं कि एक घमंड में रहते हैं कि हमको जो भी चीज़ें दी जाती है उस चीज़ें सभी चीज़ें हमको याद हो जाता है, उन्हें पूरा सब कुछ याद हो जाता है, पर इम्तिहान में उससे संबंधित सवाल या उससे जुड़ा हुआ सवाल आता है तो जवाब नहीं लिख पाते हैं। तो छात्रों को भूलने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, कभी कभी छात्र जो है घमंड में आकर ये समझने लगते हैं कि हमको तो सब कुछ याद है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सवाल अगर इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम में आते हैं तो वो नहीं लिख पाता है। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि छात्रों में ये भूलने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो साथियों, ये थे बीएड फर्स्ट ईयर के लेक्चर कोर्स नंबर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर भूलना क्या है और छात्रों में ये भूलने की प्रक्रिया जो है वो कैसे पाई जाती है और इसके क्या क्या कारक हैं, क्या क्या लक्षण हैं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।